लीजिए सर, लीजिए, हो गया। आईजी साहब, सर, आए आए आए, हाँ या। आईजी साहब ने मैडम की अर्जी मंजूर कर ली है सर। अब देखिए वो दिन दूर नहीं है जब फटेका पोस्टर निकलेगी मैडम, और सिर्फ निकलेंगी नहीं, निकल लेंगी। और इस अहम मुद्दे के बारे में आप कुछ खास कर नहीं रहे सर। या सर, आप ही मॉम को ऐसा करने से कीजिए मना, इज्दा कहीं भून ना जाइए चना इज्दा है। हाँ सर, मतलब कि अगर आपने मैडम को नहीं रोका ना और वो यहाँ से चली गई तो फिर आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर। कैसे है सर? वो ऐसे कि मैडम के डर से रावणपुर के सारे रावण अपना सर उठाने से घबराते हैं, लेकिन एक बार मैडम यहाँ से चली गई ना तो क्राइम बढ़ जाएगा और आपका ओहदा घट जाएगा। हाँ सर, और आप डिमोट होके हवलदार भी नहीं बल्कि मुंडू बना दिए जाएंगे। अबे यार, तुम हमें समझा रहे हो कि डरा रहे हो? लोकल लोकल सर, हम तो खुद डरे हुए हैं, हम आपको क्या डराएंगे। ठीक है, आने दो मैं चौटाला को, अभी बात कर लेते हैं। वेरी गुड सर, वेरी अभी good. बात करेंगे सारी, समझे? ठीक है जरूर सर, सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे आज, समझे? आने दो। ओके सर, थैंक यू। वे टू गो। अरे सर, एकदम बढ़िया न्यूज है, हमारी अर्जी मंजूर होगी। इब तो टाइम ही टाइम है अपने पास, नहीं आराम से करेंगे बढ़िया रिहर्सल, और इब जो प्लानिंग करी है ना, बस वो करके दिखाना है सर। आई एम रेडी। ओके बाय। कहाँ है मैडम? गौरी जो है सब्जी खरीदने मार्केट गई है, ममता धोबी क्या कपड़े डालने गई है, स्नेहा छत पे बाल सुखा रही है। गुड। मोहल्ले की छोरियां ना, वो जो जूतों का व्यापारी है सबसे बड़ा शहर का, वो कहाँ है? सर मैडम, उसे बुलाया है मैडम, बस वो आता ही होगा, वो आता ही होगा। देखिए मिस्टर डाला, हट ना यार, बिल्कुल ही चाइना बॉल बन के खड़ा है। वही तो। देखिए मिस्टर डाला सर, क्या है? हाँ जी बोलिए। आज ही बहुत ब्राइट सनी डे है, बहुत। मैडम नमस्ते। मम्मी फ्रेंच बोलती है। और डैडी के बोल रहा जर्मन। जर्मन नहीं, बर्मन। आर डी के एसबी। एस डी नहीं, डी आर बर्मन। डंडा राम बर्मन डैडी का नाम है। अगर आपके डैडी का नाम डंडा है तो आपका नाम क्या है? बल्लम। बंबू बर्मन नाम है मेरा। मैडम, मैं शहर में जूतों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, मेरी यहाँ पर जूतों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बताइए मैडम, आपने मुझे कैसे याद किया? 8 नंबर पे क्यों रे? भाई बताओ। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनता हो? हाँ जानता हूँ, मैं शहर में ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जो 10 नंबर और 9 नंबर का जूता पहनते हैं। Oh my God! 50 आदमी? मेरे डियर, तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम 50 लोगों को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनते हैं? 7 नंबर फेंकियो रे। अरे सुनो बिल्लू और गुलगुले, प्रसाद बट रहा है भाई, प्रसाद प्रसाद है। हाँ है। आपने बताया नहीं मैडम, पहले बता दे। पहले बता दे। अबे आप भी ऐसी बात है ना, वो जूतों का व्यापारी है ना, वो सैकड़ों लोगों ने जानता होगा जो 9 नंबर का जूता पहने हैं और 10 नंबर का जूता पहने हैं। बट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज कि भैया ऐसे आदमी को जानते हो जो एक पाँव में 9 नंबर का जूता पहने और एक दूसरे पाँव में 10 नंबर का जूता? मैडम आपको हक है कि आप हमें ऐसे प्रसाद खिलाए। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बोलिए। देखिए मैडम, इस शहर में मेरी 5 दुकानें हैं जो कि जूते बनाती है। अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो कि अपने एक पैर के अंदर 9 नंबर पहनता है और एक पैर में 10 नंबर पहनता है। मैं मैडम आपको इसका पता कल तक जरूर बता दूंगा। अबे सीधा खड़ा रहना यार, बिल्कुल बगल में खड़ा हो गया, हिले जा रहा, डिस्टर्ब कर रहा, कठपुतली हो गया कतई। सॉरी। हाँ तुम ऐसा कर लो,
और मैं घनी खुश हूँ कि तुम्हें आ गई बात समझ में, ठीक है? अब कल तक बताओ, चलो निकलो अभी। देखिए मैं चौटाला, हम आपसे एक बात कह दें कि ये जो है वो क्या बात सर, चली गई वो तो। कब कहेंगे सर? अरे वो फाइल दो यार। और जो है वो हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है सर कि आप पतले हुए हैं। थोड़ा डाइटिंग और ये सब वॉक वॉक चल रहा है, और क्या देखिए हम सर, एक तो मुंह में इतने पान ठूस लेते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता अब क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो ठूक के आएंगे। मौका निकल गया टाइम आप क्या। मिस चौटाला, मिस चौटाला कहाँ है? हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। मिस चौटाला कहाँ है? इंतजार में तो तुम्हारे हम भी। अरे अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे आप? अभी समझाया कहाँ है, आप देखना हम तुम्हें कैसे समझाएंगे। अरे लेकिन आप लोग इस तरह से मुझे क्यों घेर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? है हॉलीवुड मेरे इंतजार में है, क्या हुआ? तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है ना, तो समझ, बहुत हिट फिल्में बनाता है ना तू, तो बना। अरे बहुत नई नई हीरोइनों को ब्रेक देता है ना तू, तो दे। लेकिन आज के बाद अगर इस चौकी में भूल कर भी तूने कदम रखा तो आएगा तू अपने पांव पे चल के, लेकिन जाएगा बैसाखियों के सहारे, समझ गया? और ये बात भूलना मत, भूलना मत। आओ कुंदन बेटा, यहाँ से वहां तक जितनी वादियां तुम देख पा रहे हो और जो नहीं भी देख पा रहे हो वो सब हमारी हैं। हाँ और बेटा, बस शकुंतला से तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद इस सारी स्टेट की जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी होगी, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। आओ बेटा कुंदन, गले लग जाओ। अरे नहीं रे, अरे कुछ कुछ हुआ था क्या? वेल, जिसे हम है पीटने वाले इसदा, तू उसको गले लगा ले इसदा। सॉरी 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 भैया, सॉरी सॉरी। हाँ याद आ गया, सुन बे ओ ओए डायरेक्टर, सुन ले तू, अगर तूने हमारी मैडम को अपनी फिल्म से नहीं हटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। नमूना देखना चाहता है भैया? शुरू हो जा, कैरी ऑन। हाँ अरे बचाओ 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 कोई बचाओ। अरे बिल्कुल पागल खाने जाने की नौबत आ गई दोनों की। क्यों पीट रहे हो डायरेक्टर साहब ने? क्यों पीट रहे हो? मैडम इसने आपको फिल्मों के रंगीन सपने दिखा के चौकी को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का प्रोग्राम बना डाला, और आप पूछ रही हैं कि क्यों पीट रहे हो? या मॉम, जिसकी फिल्म की हीरोइन बनने के चक्कर में आपने रिटायरमेंट की अर्जी दे डाली और जो मंजूर कर ली गई, उसके लिए आप पूछ रही हैं हम इसे क्यों पीट रहे हैं? वो तो इसका टाइम अच्छा था कि ऐसे टाइम पे आया कि गुलगुले जी चौकी में नहीं थे, वो समोसे खाने गए हुए थे बाहर, वरना अगर वो यहाँ होते तो वो इसके ऊपर बैठ जाते और इसको दबा डालते। चुप! अबे किसने कही कि मैं हीरोइन बनने के चक्कर में रिटायरमेंट ले रही हूँ, और आईजी साहब ने मंजूर भी कर दी। अरे हाँ मंजूर हो रही है यहाँ घनी रिटायरमेंट की अर्जी। अबे 10 दिन की छुट्टी की अर्जी मांगी थी मैंने, जो मंजूर हुई है, ताकि 10 दिन तुम लोगों से शांति मिले, एक ब्रेक लूं, जरा घूम घाम के आऊं पहाड़ों वगैरह पे, तो जरा शांति मिले, ठीक हो जाए दिमाग। तक तक तुम हद कर दी यार। तो मैडम फिर वो स्क्रिप्ट, वो रिहर्सल, वो नाचना, वो गाना, वो टिकट की खिड़की पर धूम मचा देने वाली बातें, वो सब मैडम फिर वो क्या थी? वो एक ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम के लोगों के लिए डायरेक्टर साहब एक चैरिटी का शो रख रहे हैं। और उनको उस शो के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो थोड़ी पॉपुलर हो, हैं? जिसकी समाज में कोई पोजीशन हो।
और चंद्रमुखी जी कितनी पॉपुलर है, आप भी जानते हैं कितना नाम है इनका, इसलिए इनको लिया था। अरे हम तो चैरिटी करने जा रहे थे, आपने मेरी पिटाई कर दी। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। देखो भैया, हमने सब कुछ सुन लिया है और एक बार आप लोग को बता दें कि जो है सारा मामला जो है हमको पहले से ही मालूम था, इसलिए तुम लोगों के लाख बार बोलने के बावजूद, इंसिस्ट करने के बावजूद हमने इनसे कोई बात नहीं की। देखा कितने इंटेलिजेंट हैं हम, इसलिए हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर, समझे? चीफ सर। चीफ इंस्पेक्टर। डायरेक्टर साहब, भाई यो बालक हैं, थोड़े भावुक हैं, इमोशनल टाइप के हैं ना, इनको लगा शायद मैं दूर जा रही हूँ चौकी से, इसलिए इस तरीके का व्यवहार हो गया आपके संग। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। वो क्या है कि हम लोगों का दिमाग नहीं चला ना, तो आपको गलत समझ लिया। ओहो, तुम्हारा दिमाग नहीं चला, वरना तो एकदम अगस्त क्रांति की तरह भागे है ना तुम्हारा दिमाग। Yeah. Yeah, mom, I am be sorry is the truck, car and lorry is the... अबे ट्रक कार लॉरी के ही नीचे आ जाएगा एक दिन। यो सब छोड़ो, काम पे लगो। वो बम्बू बर्मन ना, उससे अपडेट लो और बुलवाओ वापस चौकी में। ओके। मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ कि मैडम इस चौकी को छोड़ के नहीं जा रही है, वरना मैडम के जाने के गम में मैं तो एकदम पतला ही हो जाता यार। कौन मारता मुझे रैप्टे? मारने का जन्म सिद्ध अधिकार मारे बाप। आया मजा? अरे बहुत मजा आया मैडम। और चाहिए? नहीं, इतना भी मजा नहीं आया। इतना भी फनी नहीं है, फालतू में बिल्कुल ज्यादा ही। मैडम, मैडम, मैडम नमस्ते, मम्मी फ्रेंच बोलती है। अरे मम्मी ने तो छोड़ यार, कुछ पता चला कि नहीं? हाँ मैडम, पता तो चला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो कैसे गया। मम्मी फ्रेंच बोलती है। किस कांड की बात कर रहे हो यार तुम? अरे वो टुइया भाग गई ना अब्दुल अंडे वाले के साथ में। अबे हु इज अंडे वाला यार? अरे आपने तो कहा था कि कुछ पता चले तो बताना, तो मुझे ये बात पता चली, मुझे लगा कि आप इस बारे में पूछ रही है। मम्मी फ्रेंच बोलती है। डील विद हिम। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जाहिल आदमी, मैडम ये पूछ रही है कि क्या सोने का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डॉलर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, है ना मैडम? निकलिए। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. Hi. Mom, उस आदमी के बारे में पूछ रही है जो एक जूता 9 नंबर का पहनता है और दूसरा 10 नंबर का कैरी ऑन। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोपीनाथ गंडोत्रा जी के लिए। अरे तू भी बोल लेना यार, किस लिए आया यहाँ? मैडम मैंने पता लगा लिया है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैडम एक ही ऐसा आदमी है जो पूरे शहर के अंदर एक पैर के अंदर 9 नंबर और एक पैर के अंदर 10 नंबर का जूता पहनता है, और वो मेरी टिमरकन तोला वाली दुकान से ऑर्डर देकर ये जूते बनवाता है। मैडम कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? बोलो बोलो बताओ, बोलो बताओ कौन है वो आदमी? ना 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 ना, खामोश मत रहो। देखो तुम्हारी खामोशी चीख चीख के पुकार पुकार के कह रही है कि ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है, मेरे फाजिल दोस्त जज साहब ये छिपा ले। लोरी गा के सुला ले अपने अंदर के वकील ने, वरना अगर मैं थपथपाने पे आ गई तो फिर। मैडम यार थारा घना फुटेज हो रहा है, मैं जूतों से ही पीटूंगी वो जो टपक रहे हैं आसमान से। ये मैडम ये जो ये जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैडम। तुम्हारा शक
सही निकला। तेरिया मोहब्बत ने मार सुटिया, दस की करा। तेरिया मोहब्बत ने मार सुटिया, दस की करा। बालू भैया, आप अभी तक यहाँ पे बैठे हुए, चलना नहीं है मैडम के साथ? बिल्लू, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी जी कहीं नहीं जा रही हैं। I am so much happy is the, बच्चों को पहनाते हैं नैपी is the। मैं भी बहुत खुश हूँ भैया कि मैडम कहीं नहीं जा रही हैं। वरना मैडम के बिना मेरी ऐसी हालत हो जाती जैसे जल बिन मछली, और आपकी हालत ऐसी हो जाती जैसे मदारी बिना बंदर। यार एक बात बताओ, ये तुम जो बात बात में मेरी बेइज्जती करते रहते हो, ये तुम जानबूझ के करते हो या अनजाने में तुमसे हो जाती है? भैया आपकी बेइज्जती मैं अनजाने में जानबूझ के करता हूँ। अच्छा अच्छा। यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चलो सौदा घर चलो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहू चाय नहीं बनाई तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चल बंटी कंचे खेले। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? महाराज आज हम ये किला फतेह करके रहेंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दे दे बाबा दो रुपए, दे दे तो कुछ खा लूंगा, वो दे देना। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पुष्पा तू मुझे, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, मैं बोले ही नहीं भैया। वाओ पुलिस। मदन कहाँ है? कौन मदन? बेटी बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। Well, अपने डैडी का नाम लेते हुए आ नहीं रही तुझे शर्म इज्दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज्दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। Well, अपने डैडी का नाम लेते हुए आ नहीं रही तुझे शर्म इज्दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज्दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। ओ मैडम, मैडम कोई मदन नहीं है, मदन नहीं है। चुप रहो। अबे भागता कहाँ तू? मुझे कुंभकर्ण को मारा है। ने मुझे कुंभकर्ण का आप इसको तो कुछ नहीं बोल रही है, ये मैं तो यहाँ पे गुवारा हूँ, ये मुझे ये बोल रहा है कुंभकर्ण। ये गोपी अपने इस छोटे परा के मुंह में कपड़ा ठूस दे, वरना मैं इसे परमात्मा से मिला दूंगी अभी ड्यूटी के वक्त। चुप करो यार, केस पे ध्यान दो, केस पे ध्यान दो, सीखो मुझसे कुछ सीखो। चल चल चल। तू मदन तनके लगा अपनी बेटी का इस्तेमाल करके इसको घना नचा के, हैं? तू एक आदमी घर में सुरंग बना के बैंक लूट लेगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। ओ मैडम जी बात सुनिए, हम एक डील करते हैं, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। कुंभकर्ण कुमार है। अबे थोड़ी तो मारे संग करेगा डील, डालो सारे को जीप में, डालेंगे लॉकअप में चले जाके। डैडी मैंने आपसे कितनी बार कहा ये सब गलत धंधे छोड़ दो छोड़ दो, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मन ने बेरा था कि थारे डैडी ने जबरन थारे से यो सब काम कराए होंगे, क्योंकि रेणुका देवी जैसी महान औरत की बेटी इतनी नीच हरकत ना कर सके। इब तू अपनी माँ से मिलेगी। मेरी माँ? हाँ, तारा डैडी जाएगा सरकारी हवालात और तू जाएगी नेपाल
अपनी माँ के पास। तो दिन हो या रात, बोलो जय पशुपतिनाथ।